राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर ने अपने नवीनतम अंक में एक कवर स्टोरी प्रकाशित की जिसमें दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर पूर्वोत्तर भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया है। अमेजॉन क्रॉस कनेक्शन शीर्षक वाली इस कवर स्टोरी में पत्रिका ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामक एक संगठन के साथ वित्तीय संबंध है जिस पर कि धर्मांतरण मॉड्यूल चलाने के गंभीर आरोप है। अमेजॉन ने इस चर्चा को कई मौकों पर फंडिंग किया है। इंडोनेशिया के बाली में आज से G20 समिट शुरू हो गई है। फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा, कोरोना यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही है। यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां कहां ठिकाने लगाया था ये जानने के लिए पुलिस उसे लेकर जंगलों में जा रही है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि आफताब से मीडिया ने सवाल पूछे लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। असम के तिनसुकिया जिले में सेना व उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह उग्रवादियों ने पेंगेरी डिगबोई रोड पर सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया। यह हमला सुबह करीब 9:20 पर किया गया। देश में कोरोना का खतरा काफी कम हो गया है, इसका अंदाजा ताजा आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। देश में रविवार को कोरोना के सिर्फ 547 नए मरीज मिले। यह 8 अप्रैल 2020 से अब तक की सबसे कम संख्या है।